हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ करने वाली हूँ तीन फाउंडेशन का रिव्यू, जो कि है ये मैट फाउंडेशन और ये वाले जो फाउंडेशन ये ऑयली स्किन वालों के लिए है। तो अभी मैं कंटिन्यू इन तीनों ही फाउंडेशन का यूज़ कर रही हूँ और किस तरह का ये फाउंडेशन है बताने वाली हूँ मैं आप लोगों को। और ये जो फाउंडेशन है ऑयली स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही कम प्राइस में आप लोगों को पड़ जाएगा ये फाउंडेशन जो है, और इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, यानी कि आप लोगों को कम प्राइस में अच्छा खासा फाउंडेशन आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आप लोग ढूंढ रहे कि कोई अच्छा सा फाउंडेशन मिल जाए जो कि ऑयली स्किन वालों के लिए हो, ये तीनों ही फाउंडेशन जो है बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है और अच्छा खासा आपको रिजल्ट देने वाले हैं। तो किस तरह के फाउंडेशन हैं, चलिए बात करते हैं थोड़ा। और जैसे कि मैं अभी ऑयली स्किन वालों के लिए बता रही हूँ, तो अभी गर्मियों के सीज़न में वैसे भी हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि ऐसे फाउंडेशन मिल जाए अच्छे जो कि कम प्राइस में भी हो और स्किन के लिए अच्छा हो, लॉन्ग टाइम तक टिके भी। तो इसलिए मैं आज आप लोगों के साथ इन फाउंडेशन का रिव्यू कर रही हूँ। इसके साथ ही और भी ज़्यादा फाउंडेशन का डिटेल आपको चाहिए तो पहले से मेरे चैनल पर उसकी वीडियो डली हुई है, तो उस वीडियो को भी आप लोग देख सकते हैं, तो आप लोगों को और भी फाउंडेशन की जो है नॉलेज हो जाएगी। तो सबसे पहले बात करती हूँ फ्रेंड्स मैं इस फाउंडेशन की, तो ये है फेसेज कनाडा का वेटलेस मेट फिनिश फाउंडेशन एंटी एजिंग एंड नेचुरल एक्सट्रैक्ट के साथ में, जो कि है 18 ml का। और ये जो फाउंडेशन है ये मैट फाउंडेशन है, तो हम लोगों को जैसे ऑयली स्किन वालों को जो होता है वो मैट फाउंडेशन का ही यूज़ करना होता है अभी गर्मियों के टाइम में, तो ये फाउंडेशन जो है बेस्ट है और काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ मैं। इसमें कलर सेट भी आप लोगों को अपने स्किन टोन के हिसाब से मिल जाएगा। अगर इसकी टेक्स्चर वगैरह की बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ जो है ब्लेंडिंग है मैट फाउंडेशन का। अगर आप लोग यूज़ करते हैं फ्रेंड्स तो आपको क्या फ़ायदे हो सकते हैं, मैट फाउंडेशन जो होता है आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं दिखाएगा, क्योंकि ऑलरेडी जो है हमारी स्किन ऑयली होने की वजह से बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा ऑयली हो जाती है। तो मैट फाउंडेशन का यूज़ करते हैं आप लोगों तो मैट ही जो है वो लुक मिलेगा आपको मेकअप में, और अच्छा खासा आपको लॉन्ग लास्टिंग भी मिल जाता है इससे 4-5 घंटों के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगा है फाउंडेशन और काफ़ी टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ इस फाउंडेशन को। बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, आपको अच्छा इसका जो प्राइस है बहुत ही कम प्राइस में आपको मिल जाएगा। तो इसका प्राइस जो है 199 का है और इस तरह की देखिए इतनी बड़ी इसकी ट्यूब है, तो आप लोग अगर ट्राई करना चाहे तो भी स्टार्टिंग में आप लोग इस छोटी वाली ट्यूब को यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो फाउंडेशन है हमारा फ्रेंड्स वो है ये है मेबलिन का फिट मी मैट प्लस पोरलेस नॉर्मल टू ऑयली स्किन फाउंडेशन, जो कि SPF 22 के साथ में आपको मिल जाता है। और ये वाला जो फाउंडेशन है ये भी जो है फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मैट फाउंडेशन है, ये भी अच्छी तरह से जो है मैट हो जाता है जब आप लोग इसे अप्लाई करते हैं, तो अच्छी तरह से फिनिशिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होती है, ऑयली स्किन वालों को तो प्रॉब्लम होती है जैसे ही मेकअप करके बाहर जाते हैं, तो कुछ टाइम के बाद में जब वो मेकअप जब वो निकल जाता है तो उसके लिए आप लोगों को मैट फाउंडेशन ही यूज़ करना होता है। तो ये भी अच्छा खासा मैट फाउंडेशन है और इसकी टाइमिंग भी अच्छी है, लगभग 4-5 घंटे तक आपके फेस पे टिका हुआ होता है और इसकी प्राइस भी बहुत ही ज़्यादा कम है, तो इसे भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। ये है 299 का और मेबलिन के जो प्रोडक्ट होते हैं थोड़े से कॉस्टली तो होते हैं, बाकी इसकी ट्यूब बस इतनी छोटी सी है। तो ट्राई करना चाहे आप लोग इस नए प्रोडक्ट को उस तरह से, अगर आप लोगों ने अभी तक ट्राई नहीं किया है इसके प्रोडक्ट तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। और जब भी आप लोग प्रोडक्ट ट्राई करते हैं ना कोई भी स्किन के लिए नए प्रोडक्ट, तो वहाँ पर आप लोग ना छोटे छोटे प्रोडक्ट ही यूज़ किया करो, क्योंकि मैं भी ऐसे ही करती हूँ, इसलिए आप लोग देख रहे हैं मैंने ये सब ट्राई के लिए ही मंगाया हुआ था ताकि ट्राई करके देखूँ और किस तरह से प्रोडक्ट है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे ये प्रोडक्ट, तो मैं अभी जो ख़त्म हो जाए तो मैं नेक्स्ट भी इन लोगों को जो है यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि गर्मियों में तो अभी मैट फाउंडेशन का यूज़ करते ही है। तो इसका टेक्सचर वगैरह भी आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से स्मूथ जो है ब्लेंड हो जाता है फेस पे और काफ़ी ज़्यादा मैट लुक आपको देता है ये, कि काफ़ी अच्छी तरह से मैट हो गया, बिल्कुल भी आप लोगों को यहाँ पे जो ऑयल नज़र नहीं आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा चिपचिपा नज़र नहीं आ रहा होगा, तो बिल्कुल मैट फाउंडेशन ऐसे ही होते हैं और बहुत ही अच्छा ये वाला फाउंडेशन भी। तो ये वाला जो फाउंडेशन है हमारा जो है मेबलिन का फिट मी बहुत ही अच्छा है ये भी, इसे भी ट्राई कर सकते हैं आप लोग। और ये वाला जो देख रहे हैं ये भी आप लोग बहुत ही छोटी सी आपको बॉटल दिख रही होगी फाउंडेशन की, तो ये ब्लू हेवन का जो है फाउंडेशन है। ये वाले भी जो छोटी बॉटल आप लोग देख रहे हैं ये भी जो है बहुत ही छोटी सी है, ब्लू हेवन की गेट ब्राइट लिक्विड फाउंडेशन है ये,
और जैसे कि ये लिक्विड है, वैसे तो लिक्विड अपन लोग बहुत ज़्यादा लिक्विड फाउंडेशन यूज़ नहीं करते हैं गर्मियों के दिनों में, लेकिन इसे मैं अभी जो है ट्राई कर रही हूँ और लगा के भी देख रही हूँ तो बहुत ज़्यादा आपकी स्किन को ऑयली नहीं करता है, मतलब कि बहुत ही लाइट वेट फाउंडेशन है। जैसे कि गर्मियों में हमें लाइट फाउंडेशन की ज़रूरत होती है, कई लोग जो है मैट एकदम से यूज़ नहीं करते, उन्हें लाइट मेकअप चाहिए होता है, लाइट फाउंडेशन यूज़ करना होता है जो कि बिल्कुल सिंपल सा नेचुरली आपको लुक दे, तो उसके लिए वहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट काम आने वाला है। इसके साथ ही अगर आप लोग इसे अप्लाई करते हैं तो मैट कॉम्पैक्ट भी अपने को मिल जाता है, बहुत सारे मैट कॉम्पैक्ट आते हैं तो उसे भी आप लोग इसे टचअप कर सकते हैं। इस फाउंडेशन के बाद में जो है मैट कॉम्पैक्ट का अप्लाई कर लीजिए तो भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा, और अगर नहीं भी यूज़ करते तब भी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बहुत ही लाइट वेट मेकअप आपको देता है ये, कोई भी मेकअप में आपको हैवीनेस फील नहीं होगी इसको यूज़ करते हैं तो। और इसका भी मैंने छोटी ही बॉटल लेके आई थी ये देखिए, क्योंकि हमारा काम ही होता है फ्रेंड्स कि हम लोगों को जो है प्रोडक्ट ट्राई करने होते हैं और रिव्यू करना होता है आप लोगों के लिए, तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ जब भी कोई भी प्रोडक्ट लूँ स्किन से रिलेटेड फेस के लिए तो मैं हमेशा छोटे प्रोडक्ट ही ट्राई करती हूँ, क्योंकि कई बार हम लोग जो है फिर यूज़ नहीं कर पाते तो वो वेस्ट हो जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब आप लोगों को जो है ये एकदम से लाइट मेकअप देता है और बहुत ही अच्छी तरह से मेकअप जो है ब्लेंड कर देता है, ऐसा नहीं लगेगा आपको कि बहुत सारा आप लोगों ने मेकअप मतलब लगा लिया है, बहुत ही लाइट मेकअप आपको देता है। जैसे कि हमको लाइट वेट फाउंडेशन की ज़रूरत होती है गर्मियों में, वैसे भी बहुत ज़्यादा हैवी और थिक फाउंडेशन यूज़ नहीं करना चाहिए, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये वाला फाउंडेशन और अभी मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। है इसके पहले अगर मैं फाउंडेशन की बात करूँ तो मैं यूज़ करी थी लैक्मे का फाउंडेशन जो कि अभी ख़त्म हो चुका है पूरा, बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी है इसमें, तो लैक्मे का जो है परफेक्टिंग लिक्विड फाउंडेशन यूज़ करी थी मैंने, पूरे विंटर जो है इसे यूज़ किया है। इसके अलावा जो है सिव ब्यूटी का फाउंडेशन भी यूज़ करती हूँ मैं, तो काफ़ी सारे फाउंडेशन ट्राई करते रहती हूँ वैसे भी, और गर्मियों में तो वैसे भी मैं लाइट वेट फाउंडेशन या फिर मैट फाउंडेशन का ही यूज़ करती हूँ, तो मैं इसे कोई सा भी फाउंडेशन ट्राई करते हैं फर्स्ट टाइम, तो कैसा आप लोगों का रिव्यू है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो कैसी लगी, आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुई या नहीं हुई तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।